नमस्कार साथियों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेके एक नई सूचना हमें प्राप्त हुई है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। साथियों, आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जो है उसमें नए सिरे से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और इसके लगभग 1500 पद नए बढ़ाए जाने की एक ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास है। तो लेकिन इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें। साथियों, ये खबर सीकर संस्करण में, राजस्थान पत्रिका के सीकर संस्करण में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती मामला के नाम से प्रकाशित हुई है और तिथि तय करने में उलझी सरकार, बेरोजगारों का बढ़ता इंतजार। अब यहाँ पे इसका मैं आपको बताता हूँ, सीकर आरपीएससी की ओर से होने वाली फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में सरकार उलझती हुई नजर आ रही है। पहले तिथि आगे बढ़ाने को लेकर खूब बैठकों का दौर चला। आखिरकार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को मांग को देखते हुए जनवरी में होने वाली फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती को स्थगित कर दिया, लेकिन अब सरकार ने नई तिथि तय नहीं कर पा रही है। इस कारण बेरोजगारों को तैयारी का ब्रेक सा लग गया है। पहले शिक्षा विभाग ने फरवरी महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन अब गेंद आरपीएससी के पाले में है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के लिए खाली शेड्यूल खाली होने पर परीक्षा करा पाएगी। इधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ही इस परीक्षा को कराने के मूड में है। पिछले दिनों सीकर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा था कि सरकार इस मामले में जल्द फैसला लेगी और इस परीक्षा में शेखावटी के 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बेरोजगारों का कहना है कि मार्च तक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में फिर तैयारियों को ग्रहण लग सकता है। इधर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों को 1500 से अधिक पद बढ़ोतरी की आस है। सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले पद बढ़ोतरी के मामले को स्पष्ट करना चाहती है, इसके बाद ही आरपीएससी को दोबारा पत्र लिखेगी। यदि इस भर्ती में पदों में बढ़ोतरी होती है तो आरपीएससी को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। तो ये आपके लिए वो सूचना है साथियों, और लगभग पूरी संभावना है कि ये परीक्षा के पद आगे बढ़ा के नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे और परीक्षा की तिथि निश्चित ही मई जून तक जाने की उम्मीद है। धन्यवाद।